आज हम ट्विन मोशन के बारे में जानेंगे। एपिक गेम्स पे जाके आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप इसको सॉफ्टवेयर पर डाउनलोड कर पाएंगे। 19 GB के आसपास का ये सॉफ्टवेयर है और इसका जो इंटरफेस है उसके बारे में बताना। जब भी आप जब ओपन करते हैं तो ये एडुकेशनल वर्जन है मेरे पास। ओपन करेंगे तो न्यू स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। पुरानी कोई फाइल होगी तो वो सेव है, और वो जब अगर सेव करके रखते हैं, जैसे यहाँ नीचे मैंने बहुत सारे वर्क किए हैं तो वो यहाँ पे सेव किया हुआ है, तो वो ओपन करने के लिए। उसके अलावा ये होम होम है। इसके बाद ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट में अगर आप किसी प्रोडक्ट की डिजाइन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से को डे एंड नाइट स्केच के साथ इसको लोड कर रहा हूँ। इन मोशन को पहली बार इस तरह से जब ओपन कर लेते हैं हम लोग किसी भी उसमें, तो इसके ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। सबसे पहले तो बता दूं मैं कि जैसे और 3D सॉफ्टवेयर में आप स्केचअप में भी आप राइट क्लिक करके सीन को लेफ्ट राइट अप डाउन माउस को आगे पीछे करेंगे तो ये अप एंड डाउन, ये सीन, ये सारी चीज़ें, तो ये आपके पास जब भी आप ट्विन मोशन ओपन करेंगे तो इस तरह का एक एक फ्लोर आपके पास आ जाता है। और वहाँ पे आपको ये राइट साइड में आप देखिए और बॉटम में देखिए और ये लेफ्ट में देखिए। तो लेफ्ट से शुरू करते हैं हम। पहले ये फाइल आता है, फाइल के अंदर जैसे न्यू सीन खोलना है तो न्यू सीन, पुरानी फाइल अगर आपने सेव कर रखी है तो वो ओपन करने के लिए है। फिर ये ओपन रिसेंट ये आपके पास पड़ा हुआ है। होम पैनल पे रहना है, सो होम पैनल तो ओपन करके इस तरह से आप दोबारा से पीछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको सेव एज का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट को सेव करिए और सेव एज करिए। फिर ये इम्पोर्ट करने का ऑप्शन है, मर्ज करने का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये पहला जो है ये मटेरियल का पैनल है। यहाँ पे आपको पहले से बना बनाया मटेरियल मिल जाता है। जैसे ग्लास का पैनल है तो ग्लास के अंदर ये सारे ग्लास अलग अलग भरे हुए हैं। इसी तरह मटेरियल में आपको मेटल का, कंक्रीट का, वुड का, हर तरह का मटेरियल आपको बना बनाया मिल जाएगा। फैब्रिक का है, लाइट है, नियॉन लाइट है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर आपका लैंडस्केप है, ट्रीज है, बुशेज है, ग्रास है, ये सब कुछ यहाँ दे रखा है। जो आपको सीन में ज़रूरी है आप वो यहाँ से एलिमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे होम के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, ऐसे मान लो यहाँ पे जैसे ये क्यूब लिया मैंने और ये क्यूब रख दिया मैंने यहाँ पे, ये कोन लिया, ये कोन रख दिया मैंने, और ये सिलेंडर लिया, सिलेंडर को भी मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब ये चीज़ आप ऑब्जेक्ट सीधा यहाँ पे लाके रख सकते हैं। सर्कल टाइप का डिज़ाइन बना हुआ तो ये रख दिया मैंने। और इसके बाद आप इमेजिन करो कि इसको मैं कोई टेक्सचर डालना चाहता हूँ, तो लाइब्रेरी में जाके, मटेरियल में जाके इसको मैं ग्लास का टेक्सचर रंग, तो ग्लास में जाके ये ग्लास लेके हमने इसके ऊपर सिर्फ ड्रैग करके छोड़ देना, ये ग्लास का हमारे पास आ गया। अगर पारदर्शी ग्लास लगाना है तो इसके ऊपर पारदर्शी, तो अब देखो अब लाइट गो थ्रू हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिव मतलब मिरर के हिसाब से है। और कुछ आना है जैसे नॉर्मल डोर रोल पे रहते हैं इस तरह का, तो वो आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है कि कैसे करना है। इसी तरह से यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर ही और भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि ये वाटर का है। वाटर का आप इसके ऊपर क्यूब के ऊपर डाल दोगे, ये देखो वाटर का इफेक्ट आ गया। ये ग्राउंड को भी अगर हम डार्क सी ये देखिए आप, तो बहुत आसानी से आप इसको एनिमेटेड, ये चीज़ अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में करने जाएँ तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा इस तरह का एक इफेक्ट तैयार करने के लिए। और यहाँ पे आप हाथों हाथ, और ये जो जैसे मूव टूल इसमें काम कैसे करता है, किसी को आगे पीछे ऊपर नीचे जाने के लिए, तो इसमें क्यू बटन प्रेस करके दबाइएगा तो ये ऊपर जाएगा, और डब्लू ई बटन प्रेस करिएगा तो ये बॉटम में जाएगा। आप इस पर रिफ्लेक्शन और ये सारा चीज़ देख सकते हैं। और राइट क्लिक दबा के लेफ्ट और राइट माउस को घुमाइएगा तो ये आप सराउंडिंग आप इसके देख सकते हैं, ऊपर नीचे कोई भी एरिया। और यहाँ से भी आप व्यू को कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये देखिए ये होम बटन है, इस पर प्रेस कीजिए, यहाँ से आप टॉप व्यू करिए तो ये टॉप व्यू आ गया। फिर इसी जगह से फिर दोबारा प्रेस करके ये दोबारा आप दबा दीजिए तो ये आप पुराने लोकेशन पर आ गए। फिर ये जो आप ऊपर सूरज देख रहे हो उस साइड है, और इसका शैडो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ मैंने कोन ये सब डाला है। वाटर के कलर यहाँ पे आप ब्रिक का, स्टोन का, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये इसको एक लाइट ऑब्जेक्ट के रूप में, नियॉन लाइट के रूप में डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम नियॉन लाइट डाल देते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ जो जो चीज़ मैंने लगाई है, इसको अंडू करके फिर पुराने उस पर आ जाता हूँ। अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे जो ये इम्पोर्ट बटन दे रखा है, तो यहाँ पे इम्पोर्ट बटन दबाएंगे हम जब, तो ये यहाँ पे ये इम्पोर्ट का ये कॉलम खुल गया। तो जो कुछ भी इम्पोर्ट करेंगे आप इस जगह पे आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस इंपोर्ट वाले बटन पे जैसे ही मैं प्लस करता हूँ,
यहाँ पे आपके पास पहले जियोमेट्री का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ से फाइल पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास जो भी जगह पे मैं डॉक्यूमेंट सेव कर रहा हूँ आज के टाइम में, वो आपका वो जगह ओपन होके आ जाता है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने पहले से ये सब सेव कर रखा है अलग अलग, और ये मॉडल इंपोर्ट करने के लिए जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन के अंदर आप मतलब की फायर किया जैसे वहाँ पे सेव किया हो उसी तरह से, और जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करूँगा ये अप डाउन किस तरह से आपको रखना है मॉडल को, उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ऑटो, मैंने ऑटो पे रख देता हूँ, मैं यूनिट कन्वर्सेशन ऑटो करके और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इंपोर्ट करूँगा तो मेरा जो वो डेटा मैंने बना रखा था वो मेरे इस जगह पे आ चुका है, और आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा बनाया बनाया बिल्डिंग यहाँ पे आ चुका है जैसा मैंने स्केचअप में तैयार किया था। लेकिन आप देखेंगे कि ये जमीन से हल्का उठा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये, यहाँ देखिए। तो सबसे पहला काम है मुझे कि इसको सरफेस पे लाना। तो सरफेस पे सबसे इजी काम है कि आपने जो लाया है यहाँ राइट साइड में स्कैन है, इसके अंदर ये एम्बियंस है, उसके नीचे ये हाउस प्लान है। ये तो हाउस प्लान को सिलेक्ट कीजिए, और ये जो आपके पास ये है हैंडल, इस हैंडल को लेके इसको जमीन पे लाके ऐसे रख दो। अब आप देख पाएंगे, अब ये हमारा जमीन पे आ चुका है। राइट क्लिक कहीं भी कीजिए खाली जगह पे, और ये आपका जमीन पे आ चुका है। आप देख सकते हैं ये ऊंचाई जो थी वो खत्म हो चुका है मेरा। और सबसे पहले हम इसको एक मटेरियल पे वर्क बाद में करेंगे, अभी के लिए हम इसके अंदर आपको जाके सिर्फ दिखा देते हैं कि ये मॉडल बना हुआ है। और इसको अभी जैसे मैं चल रहा हूँ तो ये कैमरा जो है हवा में है, यहाँ से जाके, और ये जो आपका ये वॉकिंग वाला, इसमें से जाके हम ड्रोन मोड की जगह पेडेस्ट्रियन मोड में कर देते हैं। तो ये अब आपका मैन का हाइट जो होता है इंसान का, उसके हाइट के अनुरूप आ चुका है। अब हम ये चल के हम इस रूम के अंदर टहल सकते हैं, मुझे पीछे से पैरों की आहट भी आ रही है। ये आप देख सकते हैं ये रूम है, ये पीछे का विंडो है, ये फ्रंट का विंडो है, यहाँ अभी डोर ये सब लगाएंगे हम लोग धीरे धीरे, वॉल का कलर चेंज करेंगे। ये यहाँ से किचन वाला एरिया है, और ये ड्राइंग रूम हो जाएगा, ऊपर जाने के लिए देखिए कैसे कांपता हुआ आया इंसान। और ये मैं यहाँ से छत के ऊपर आ गया, छत के ऊपर आ चुका हूँ मैं। तो ये चीज़ है, इसको आप यहाँ से फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हो ऐसे। ये रेलिंग है और वो सूरज की रोशनी आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से कूद जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर से, चोट नहीं लगेगी। और इसका एक सीन का हमने यहाँ पे ला के ऐसे सेट कर दिया, और फिर इसको यहाँ से आप जाके ऐसे एक बार और क्लिक करो, और इस जगह जो ये दिखा रहा है आपको, इस पे जब आप क्लिक करेंगे रेंडरिंग स्टाइल्स, तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आउटलाइन देख पा रहे हैं आप, आउटलाइन के रूप में किसी को अगर भेजना हो स्केच के रूप में तो आप ऐसे करके भेज सकते हैं, काफी आपके लिए आसान हो गया है ना। देख पा रहे हैं कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा होगा आपको। नीचे ग्रिड बना हुआ भी आ रहा है, तो अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज से है, तो जब करेंगे तब हो जाएगा। फिर इसको दोबारा से यहाँ पे जाके इसके अंदर ग्रिड की जगह फ्लैट आउटलाइन करते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, प्लास्टर करते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, वुड करते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, मेटल कर दे तो ये ऐसा दिखेगा, फोम कर दे ऐसा, डिफॉल्ट करेंगे तो जैसा था वैसा दिखेगा। और यहाँ से ही स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से इसको फुल स्क्रीन खत्म करते हैं, और सबसे पहले आते हैं हम इसके डोर पे। मान लीजिए कि ये डोर है और ये ग्लास है, तो ग्लास में रोशनी आनी चाहिए ना, हर बार दिखना चाहिए ना। तो मटेरियल में गए, ग्लास में गए, और ये ग्लास लेके हमने छोड़ दिया। तो आप देखिए ग्लास, जितने भी ग्लास रहेंगे, जितने भी ग्लास आपने यूज किए हैं पूरे पूरे में, हर जगह ग्लास का अलग अलग वो आ गया। आप देखिए यहाँ पे आप ग्लास बदल भी दो, ये ग्लास लगा दो, अब देखो। और क्या है आपका ये जो ओरिजिन है, जैसे सनसाइन बैक से आ रही है, तो असल में
ये जो बिल्डिंग जिस जगह पे है वहाँ पे कहने का मतलब नॉर्थ जो एंगल है वो ये ईस्ट फेसिंग घर है, तो यहाँ पे जब एम्बियंस में जाइएगा आप और यहाँ नीचे जब स्क्वायर का जो है तो यहाँ नॉर्थ का सिंबल है, तो ईस्ट फेसिंग जब है तो नॉर्थ जो होता है लेफ्ट, मतलब अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करेंगे तो ये वाला पोस्चर बनेगा आपका, ये है असल में ईस्ट ऐसे, लेकिन हम उसको इस एंगल पर रखेंगे जैसा कि एक्चुअल में वहाँ पे है, ये हो गया मेरा। और ये अब आप इसको देख पा रहे हैं सही से रोशनी अंदर जा रही है। दूसरा है आपके पास यहाँ से टाइम ऑफ द डे, तो टाइम आप इसका डे का टाइम, शाम का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, सब कुछ आपके हाथ में, यहाँ से एडजस्ट करिए और इसको सेट करिए। यहाँ डिटेल में फॉग, सन इंटेंसिटी है, सन साइज है, सन रिफ्लेक्शन है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है आपके लिए, एक्सपोजर है। यहाँ पे आप इसका वेदर वेदर भी चेंज कर सकते हैं, अभी जैसे धूप निकली हुई है तो हम अगर बारिश वाला हम फील कराना चाहते तो ये बारिश वाली फील भी ला सकते हैं। अब देख पा रहे हैं बारिश जैसी, बारिश जैसी हो रही है और यहाँ सरफेस के ऊपर बारिश का वो आ रहा है इम्पैक्ट, या बर्फ वाला भी स्थिति पैदा कर सकते हैं। अब आप देखिए आसमान से बर्फ गिर रहा है, और तो ये बहुत आपके पास इसमें पॉसिबिलिटी है। डिटेल में जाके बारिश को तो पहले बंद कर देते हैं, और यहाँ पे फॉग है, फॉग को 40% तक हम रख सकते हैं नीचे से, अभी तो धूप निकली हुई है फॉग तो होगा नहीं। और विंड स्पीड आप सेट कर सकते हैं, विंड का डायरेक्शन सेट कर सकते हैं बैठने की, ये सारा चीज़ आपके पास धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर किसी जगह के लिए बना रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पे जाके, और इंडिया में बना रहे हैं तो इंडिया जिस जगह के लिए भी बना रहे हैं उस जगह का नाम, या फिर उस जगह का जियो लोकेशन आप डाल सकते हैं। जैसे मैम ये वाला प्लान आप मान लो कि मैं सिवान बिहार के लिए बना रहा हूँ, SIWAN सिवान BIHAR डाल के इंटर मारा मैंने, तो ऑटोमेटिक ये सर्च करने की कोशिश करेगा। आप यहाँ से HDRI इमेज भी यूज कर सकते हैं, यहाँ इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे HDRI लगाया मैंने, यहाँ से आप बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम बैकड्रॉप HDRI में आप देखिए अब ये कैसा दिख रहा है, हम ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सचमुच किसी गांव के उस पे आ चुके हैं, और इसको सरफेस पे लाना पड़ेगा। अब आप देखिए ये एक गांव का, और इसको हम रोटेट कर सकते हैं, कितना खूबसूरत सा घर आपको गांव में आपको दिख रहा है। ये ब्लू वाला कलर यूज कर ले रहा हूँ, अब देखिए ये कितना खूबसूरत आया है, ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बो। और ये कंक्रीट का पार्ट है तो मैं कंक्रीट ही यूज कर देता हूँ, यहाँ पे रफनेस कोटिंग और ये वाले इसमें लगा देते हैं। यहाँ मटेरियल है, मटेरियल में जाके जो मटेरियल पर आप काम करो वो सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से डिटेल का ऑन करके यहाँ से आप इसका कलर वलर एडजस्ट कर सकते हैं, साइज भी स्केलिंग करके 100% में ऐसा दिख रहा है छोटे छोटे, और इसको हम इस तरह से लार्ज भी कर सकते हैं। प्लेन प्लेन होना ज़्यादा जरूरी है, ये देखिए प्लेन, तो प्लेन आपको मतलब बेहतर लगेगा, देखिए ये पैर स्लिप लिप करने से बचाएगा आपको, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है बाहर। और अब आते हैं इसके अंदर का काम करके दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको डोर है, तो या तो आप मॉडल करके कोई डोर आप लगा लिया आपने यहाँ, या फिर आप चाहते हैं कि इसका इनबिल्ट जो ट्विन मोशन का है वो डोर लगाएं, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके यहाँ पे डोर पे जाके लेके और आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है यहाँ पे, सबसे बड़ी खासियत इसकी है ये सेट हो जाता है। आप देखिए आप देख पा रहे हैं, तो ये डोर अगर छोटा हो रहा है, लग रहा है कि ये यहाँ पे सेट नहीं कर पा रहा है, तो आप इसको ऐसे करके सेट करके देख लीजिए मैनुअली, ये साइज में बड़ा है तो ये नहीं हो रहा है सेट, तो इसको अनडू कर दीजिए और दूसरा गेट ला के देखिए यहाँ पर, दूसरा गेट आके सेट हुआ कि नहीं हुआ, अगर लग रहा है तो हो गया तो ये वाला आप यूज कर लीजिए।
नहीं तो प्रॉपर मॉडल करके आप लाइए, ये जो वॉल है मॉडलिंग टाइम में, ये इधर का वॉल इधर का वॉल, ये सब आप प्रॉपर वे में इसको सेट कीजिए। इसको सेलेक्ट करके और आप यहाँ से इसकी लेफ्ट राइट ओपन होना या बंद होना सब कुछ आप यहाँ से इसको मतलब साइज वाइज जो भी है आप एडजस्ट कर सकते, हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा लेकिन ये है कि आपको मतलब काम के लिए आपका हो जाएगा। अगर मतलब किसी को क्लाइंट को आप अर्जेंट में कुछ दिखाना चाहें, आप ये देख पा रहे हैं कितनी आसानी से ये गेट डोर ओपन हो रहा है जब भी हम वहाँ जा रहे हैं। इधर का तो हो ही रखा है, इधर को मैं एक्सेस नहीं करना चाहता, बस इससे ये मैंने किया है। अभी गोल्ड डोर ओपन करना है तो यहाँ पे जो ये सिंबल बना हुआ है इस पर क्लिक करिए, और इस जगह से आप यहाँ ओपनिंग का राइट एंड लेफ्ट है तो यहाँ पे डबल कर दीजिए, तो दोनों डोर आपका ओपन हो गया। और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट वाला ओपन हो जाएगा और ये हम अंदर जा रहे हैं। और ये सीढ़ी की जगह पे यहाँ पे हमने मान लीजिए कार तो नहीं हो पाएगा, ये कम जगह है, बाइक पार्क कर ली और ये अंदर चले आए। अंदर ये हमारा किचन वाला एरिया हो गया, ये यहाँ पे आपका ड्राइंग। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको एक सोफा लगाना है, तो लाइब्रेरी में गए, ऑब्जेक्ट्स में गए और यहाँ पे होम के अंदर गए। होम के अंदर यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो ये बेडरूम है, किचन है, लिविंग रूम है, तो हम लिविंग रूम में गए। यहाँ पे सोफा है, सोफा के अंदर आप गए तो यहाँ पे सोफा का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको लगता है कि ये सोफा आपके काम का है तो आप यहाँ से इनमें से कोई भी सोफा ले सकते हैं और उसको लगा के देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एल शेप का एक सोफा लगाना है, तो मैं ये वाला सोफा मुझे थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, इसको ला के मैं यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ। तो ये साइज में काफी बड़ा सा सोफा लग रहा है, जितना बड़ा मेरा रूम नहीं उससे बड़ा ये सोफा ही हो जाएगा, तो इसलिए उसको ना लेके मैं दूसरा सोफा ट्राई करता हूँ। तो ये वाला सोफा यहाँ पे प्रॉपर आ तो पा रहा है लेकिन रोटेट करने के बाद किस जगह पे जाएगा ये हम कह नहीं सकते, तो फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं देखता हूँ ये वाला सोफा भी देख लेता हूँ, ये भी नहीं आ पा रहा है। यहाँ छोटा स्मॉल सोफा चाहिए, 2 सीटर, 2 सीटर सोफा यहाँ पे लाके यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके लगा दे रहा हूँ। ये काफी विशाल का है सोफे लग रहे हैं, इतना बड़ा सोफा का यहाँ पे जगह है नहीं असल में, लेकिन फिर भी क्या करें, अभी तो दिखाना है आपको, बताना है, तो मैं आपको बताने के लिए कर दिया। मैंने यहाँ पे यह सोफा लगा दिया मैंने लिविंग रूम में, और यहाँ से हम चले जाते हैं पीछे चेयर में चले जाते हैं, और यहाँ से इस जगह खाली जगह पे फिल करने के लिए हम यहाँ से 2 चेयर भी मान लीजिए ले लेते हैं। कोई भी चेयर यहाँ से आप अपने पसंद का सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडल बना रखे हैं तो वो आप लाके यहाँ पे लगा सकते हैं। मुझे ये ऑरेंज कलर वाला और ये ग्रीन कलर दोनों ही अच्छा लग रहा है, तो अभी के लिए तत्काल मैं ये वाला लेके और यहाँ रख देता हूँ, एक चेयर ये रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ तो नहीं रखूँगा, एक ही चेयर काफ़ी है। दूसरा एक टेबल चाहिए मुझे यहाँ पे, टेबल पे चले गए, टेबल में यहाँ जाके राउंड टेबल जैसा ले सकते हैं या एक कोई छोटा सा टेबल चाहिए इस जगह को फिल करने के लिए। तो अभी के लिए तत्काल मैं ये ग्लास वाला टेबल यहाँ रख देता हूँ यहाँ पे, ये टेबल यहाँ पे सही रहेगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा ये डोर के सामने आ रहा है लेकिन कोई नहीं, अभी के लिए ये मैं अच्छा लग रहा है देखने देखने में, तो मैं ये वाला टेबल यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो अब ये देखिए ये टेबल आ चुका है, गेट के ठीक सामने है, और ये आपका सोफा रखा हुआ है, इधर आपका एक चेयर है, और ये वॉल पे भी आप कोई अच्छा सा पेंटिंग टाइप का कुछ लगा सकते हैं। तो यहाँ अंदर जाके और इसमें लिविंग रूम के अंदर जाके इसके अंदर ये आप देखिए ऐसा लगा रहा है, ये वाला वॉल खाली खाली सा अच्छा नहीं लगा, ये वॉल भी खाली, ये वॉल भी खाली। तो मैं यहाँ के लिए एक पेंटिंग या डेकोरेटिव में से यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये अच्छा सा फील आ रहा है, और भी हैं सिंगल में आप यहाँ लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने मान लीजिए 3 ये लगा दिए, और इस जगह पे के लिए एक बड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कुछ बढ़िया सा आए, ये वाली चीज़ें मेरे हिसाब से अच्छी रहेंगी।
थोड़ा सा बैठे के हिसाब से ये देखिए। अब ये आपको बेहतर लग रहा है? हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से सही हो गया। अभी जितना हो जाएगा, ये किचन में आ गए हम। किचन में यहाँ पे हमको किचन का कुछ चाहिए, तो यहाँ से बैग चाहिए और यहाँ से किचन की तरफ आपको जाना है। तो किचन देखिए कि किचन कहाँ पे है, तो और पिक्सल ये होम है, यहाँ किचन है। किचन में एक्सेसरीज है, चेयर्स है, अप्लाइंसेस है, स्टोरेज है। तो मैं स्टोरेज पे जाके देखते हैं पे क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास ये सारे अलग अलग ऑप्शन है। अभी अभी तो एक सिंक चाहिए हमको, तो एक सिंक लेके हम यहाँ पे रख देते हैं। सिंक का ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ ऐसे करके लगा देते हैं। ये सिंक आ गया हमारा, और इसको 180 डिग्री पे हम रोटेट कर देते हैं। ये आ गया हमारा किचन का सिंक, और इसको इस साइड से चिपका देंगे तो धोने में नहीं बनेगा, इसलिए इसको इसी से ट्रिम देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मॉडल खुद से करना चाहिए। मॉडल करने पे आपका साइज के हिसाब से एक्यूरेट बन के आ जाता है। अब यहाँ पे है, आप देखो यहाँ पे मैंने सिंक तो लगा दिया, लेकिन ये वॉल से इतना डिस्टेंस हो गया। अब इस साइड में चूल्हा वूल्हा बनाऊंगा तो उसके लिए भी चाहिए। तो ये क्या है पता नहीं, टिम्बर, ये ट्राई करके देखते हैं। अच्छा ये वो है, कैबिनेट टाइप का है। ऐसे करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं ये नहीं चलेगा, ये भी चल सकता है ये थोड़ा। अरे यार दिक्कत यही तो है, क्योंकि इसको हम, अरे यार ये चीज ऐसे करके लगा दिया। अब आप ये देखिए, इसके अंदर आप बर्तन या कुछ भी संभाल के, क्रॉकरी का आइटम रख दिया हमने। यहाँ ये सिंक हो गया, यहाँ ये आ गया। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हैं। अगर खुद से सब कुछ मॉडल करके लाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आप उसको प्रॉपर वे में सब सेट कर पाएंगे, और साइज पे होगा, और आप एक अच्छा सा, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा फिनिश लुक दे पाएंगे। अगर किसी और का किया हुआ मॉडल अगर आप यूज करिएगा तो इसी तरह की दिक्कतें आएंगी, जैसे ये गैप हो गया, यहाँ पे ये आ गया। लेकिन आपको बेसिक मैं समझाना चाह रहा था कि कैसे ट्विन मोशन काम करता है, तो इसके हिसाब से ठीक है। यहाँ पर ऊपर वेंटिलेटर का ऑप्शन है, सीलिंग में ऑफ वाइट कलर होगा। इस जगह के लिए आपको क्या बोलते हैं, आयरन ड्रेस में क्या, देखिए कितना विशाल का साइज का आ रहा है, ये नहीं चाहिए। फिर और क्या, अप्लायंसेस भी होने चाहिए। आप इस तरह से देख 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 के ये चीज़ों को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये चीज़ चल जाएगा मेरे हिसाब से। ये थोड़ा मिलता जुलता हो रहा है मेरे लिए, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। और इसको 180 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, और ऐसे में 90 डिग्री रोटेट करके इसको हम दीवार के साथ लगा देते हैं, और इस पर भी खींच देते हैं। तो ये अब बेहतर है, इसको सेट कर देते हैं। और सिंक हो गया, और ये जगह ऐसे रह देता है, ऐसे कर काम चलाने के लिए ठीक है। उधर वो हो गया, इधर इस पे खाना बन जाएगा हमारा, ऊपर में वो गया है। किचन से निकलिए ऑब्जेक्ट में जाइए, यहाँ से होम में जाइए, यहाँ से लिविंग रूम है, बेडरूम के अंदर जाते हैं। इसके अंदर ये बेड के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको ये बेड चाहिए तो ये बेड ले सकते हैं। अगर ये बेड नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कुछ अच्छा सा बेड हो जो इसके अंदर अच्छा दिखता है, तो यहाँ पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं, DEDS इंटर वाली। तो ये ऑनलाइन सर्च करेगा और आपको ऑनलाइन बेड सर्च करने पर चलेगा। मैंने क्लिक कर दिया, अभी तक यहाँ दिखाया नहीं इसने, नेट की वजह से होता है। अभी तक कल मैं आपको यही वाला बेड लिया, यही बेड लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बेड मैंने क्लिक किया, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये बेड आ चुका है।
आप यहाँ से इस बॉल को ऐसे बॉल में लगा सकते हैं, जगह के हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको अभी के लिए रख दिया, अब दोनों तरफ से इसको मार्जिन को आपको सेट करना है कि आप कितना बढ़िया तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। इधर करा लिया, उधर कर लिया, बराबर बराबर हो गया। फिर बैट काट लेंगे इसमें से और वो चले गए। और साइड टेबल भी आपको ढूंढना पड़ेगा, तो लिविंग रूम में चेयर है, अप्लायंसेज में टीवी यहाँ वॉल के ऊपर आप टीवी भी लगा सकते हैं। टीवी में चलेगा, और यहाँ पे वॉल टीवी है, यहाँ पे कर्व टीवी है, तो हम वॉल टीवी यहाँ से ले लेते हैं और ये हम यहाँ पे लगा देते हैं इस जगह पे। तो ये आ गया हमारा टीवी और ये हमारा बेड है, ये टीवी है। कैसा लग रहा है आप ही बताइए, शायद अच्छा ही लग रहा होगा। तो ये बेडरूम है आपका और इसमें यहाँ पे डोर भी आना चाहिए। तो डोर में आपको यहाँ से जाइए और यहाँ से और पीछे जाइए होम में, और यहाँ से और पीछे जाइए डोर पे जाइए, स्लाइडिंग डोर है इसमें से हमको एक अच्छा सा डोर यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्लू पे व्हाइट ही अच्छा लगेगा, सिंगल डोर ये वाला ले लेते हैं। और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ ला के अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ और कोई बेड नहीं, मेरे हिसाब से व्हाइट वाला ही अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लगेगा, गिलास गिलास तो है, गिलास अभी के लिए तो हम गिलास लगा देते हैं। जैसे बेडरूम के अंदर गिलास डोर तो सही नहीं रहता है, मेरा मानना है, तो मैं ये वाला ही डोर प्रेफर करूँगा। इस डोर को यहाँ आप इस डोर को देख सकते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाइए और आप देखिए तो ये गैप जो है हमको भरना होगा। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से रूट को इंक्रीज कीजिए और इसको प्रॉपर वे में रख के हम इसको सेट कर, थोड़ा सा यहाँ से स्पीड कम कर लीजिए। जब भी आप इस तरह का वर्क करें तो यहाँ से स्पीड को हैंडल वाला उस पर रख के करें, तो ये थोड़ा इजीली आप आसानी से मूव करके देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ जा रहा है किस जगह पे आया। तो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू उसको सेट कर सकते हैं, तो वॉल के साथ मैच करके। और एक अच्छा मतलब परफेक्ट, जितना अच्छा से मेहनत करेंगे आप उतना बेहतरीन तरीके से आप उसी चीज को प्रस्तुत कर पाएंगे। इसके स्पीड में फिर से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फिर मैं फिर से मुझे उसको देखना है। अभी देखिए ऊपर से थोड़ा सा गैप है, ऊपर का गैप भी इसको हमको सेट करना पड़ेगा और हाइट भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया। ये सही है, परफेक्ट बैठ गया इसमें। और ये मार्बल भी बदलना है, मतलब ये मार्बल बदलना है इसका, कितना आसानी से हो गया। वहाँ पर मैंने चेंज किया और यहाँ के मटेरियल आराम से मैंने टाइल में गए और यहाँ से हम वॉशरूम का मार्बल हम ये चाहते, तो ये आ गया। देखिए कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। जब भी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये स्वॉट यहाँ बन के आ जाएगा और तब आप इसके डिटेल में जाके यहाँ से सन की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप उसको सब कुछ आपके पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। पास कम करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये जो प्लीज वेट वर्किंग प्रोग्रेस, और उसके बाद ही आपको इसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी आ रहा है प्रॉपर। तो ये एक अच्छे तरीके से एकदम नेचुरल सा वर्क है। इसको आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट को सेव करना बहुत जरूरी है। सेव हमने हमारा ऑलरेडी है, तो इसको एडिट छोड़ के और रूम के अंदर से ही देख रहे हैं। देखिए रूम के अंदर से ग्लास विंडो से आप देख रहे हैं, किचन है इसमें लाइट कम है, ये रूम है इसमें भी लाइट कम है। यहाँ पे जैसे पेंटिंग लगी होती है इसके ऊपर एक लाइट हमें देना पड़ेगा, उसके
उसके लिए लाइट में जाना पड़ेगा, हमें लाइब्रेरी और यहाँ से लाइट में जाना। लाइट में जाके आप इस तरह का लाइट लीजिए और ऐसे करके आप इसके ऊपर लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाइट लगाइए या ये लाइट लगाइए या ये लाइट लगाइए, देख रहे हैं अलग अलग लाइट दे रखा है लगाना। बहुत तेज लाइट, ब्राइट लाइट लगी ये लाइट है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए ऐसे। तो आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं? ये तो आप सीलिंग में लगा दीजिए लाइट, पूरे रूम को रोशनी दे दीजिए। अब आप देखिए कैसा रोशनी आ रहा है ना। आपकी मर्जी है कि आप क्या मतलब किस तरह का चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सिंपल सा ये लाइट लेके यहाँ लगा देना चाहिए, ट्यूबलाइट लगता है जैसे रूम के अंदर, तो वो अच्छी वो लाइट यहाँ है, लगा देता हूँ मैं अभी के लिए। बाकी चाहें आप तो यहाँ से अंदर जाके और यहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी कोई लाइट जैसे बल्ब लगाना हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में जाए, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से अंदर जैसे साउंड है, पार्टिकल्स है, जैसे यहाँ किचन में, किचन हम चलते हैं किचन, किचन हमारा इस साइड में, किचन में आ गया। और हम चाहते हैं कि चूल्हा है और यहाँ पे थोड़ी आग जलती हुई दिखे, है ना। तो यहाँ से हम, ये तो बड़ी आग आग है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम ये आग लेके आते हैं, तो ये आग हम जला सकते हैं। लेकिन वही है, आपको इसका साइज वाइज सब एडजस्ट करना पड़ेगा। पानी का है तो पानी में भी आप यहाँ पे नल चलाएंगे, हम यहाँ पे नल चला के यहाँ पे पानी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पानी भी चला सकते हैं। पानी का इफेक्ट आ रहा है, ये पानी, पानी का इफेक्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल मतलब वीडियो शूट करने के दौरान हम कर सकते हैं। अपने अपने हाथ में ये सारी चीज़ें, अंधेरा अंधेरा सा रूम लग रहा है, आप एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, रूम के अंदर का एक्सपोजर बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। डे टाइम में आपको जनरली लाइट की जरूरत तो पड़ती है, अभी ये रूम बंद है और ये लाइट का रिफ्लेक्शन कितना सही आ रहा है। और प्रॉपर आपको सही से ये आपको दिख रहा है, ये है आपका तरीका। और बेहतर तरीके से काम करिए, एक्सपोजर लगा हुआ है ऑलरेडी, वेल्यूम लगा हुआ है और ये सब है, सब सेट है, सरफेस इफेक्ट भी डला हुआ है यहाँ पे बेड में, ऐसे सब चीज़ आप है। जितना आप इसके अंदर घुसेंगे उतना ही आप इसमें बेहतर काम कर पाएंगे और धीरे धीरे आप अच्छा सा सॉल्ट मतलब। आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम आ गए और इस रूम का एक शॉट हम लेना चाह रहे हैं, तो कैसे मतलब इस जगह से हम लेना चाहते हैं बेड का, और यहाँ पे ये ऐसे करके लेना चाह रहे हैं या फिर इस जगह पर, जिस जगह पर आपको लगे कि आपका परफेक्टली हो चुका है। तो कैमरा में आप रहिए और कैमरा मैन की यहाँ पे फोकल एडजस्टमेंट करिए, कितना आपको चाहिए शॉट आगे पीछे एडजस्टमेंट करके, जैसे जूम आउट सब कर सकते हैं आप ना। और यहाँ कैमरा इफेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपके पास, पैरालाइजिंग करें मतलब ये पैरालाइजिंग क्या बोला जाता है इसको पता नहीं, जो भी हो इसको क्लिक करके आप करके इसको भी देख सकते हैं क्या इससे इम्पैक्ट हो रहा है। ये ग्रिड है, नर्म किया हुआ, अभी ग्रिड करेंगे तो ये आपको पिक्चर में क्या ले रहे हैं, क्या आपका कंटेंट कट तो नहीं रहा है, इसके लिए इस्तेमाल में आएगा सारा ये है। बहुत मतलब गहरा सॉफ्टवेयर है, इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं इसको, यहाँ देखिए ये वाला हमारा पैसिव वाला लुक है, चल रहे हैं तो उसमें आवाज़ भी आ रही है। ये हमारा बेडरूम यहाँ से आ गया, यहाँ ये वॉशरूम है, यहाँ वॉशरूम में यहाँ पे गेट में चाहिए,
गेटिंग हाउसिंग, तो रेंट में गए और इसके अंदर गए, यहाँ से डोर पे गए और यहाँ से हम एक गेट कोई भी गेट लगा देते हैं, अभी के लिए तो तत्काल ही व्हाइट वाला ही चला देते हैं, व्हाइट वाला ही के और हमने गेट यहाँ पे लगा दिया, लेकिन ये गेट भी इसको अंदर की तरफ ले जा सके, इसको हम पहले तो यहाँ से ये अपना डोर से करके इसको क्या सिस्टम इसको हीट होता है ऊपर एडजस्ट करना होगा इसको, इधर लेना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये अंदर बाहर की तरफ खुला है, इसको अंदर की तरफ खुला है, तो वे था एक तो ओके है, यहाँ राइट हैंड इट लिया लेफ्ट हैंड कर देता हूँ, ये बाहर खुला है, इसको आउटवर्ड की जगह ये कर देना है, तो आप ये अंदर खुल जाए ऊपर ये सेट हो जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि ऊपर से एकदम अच्छे से सेट है और अंदर ये वॉशरूम का एरिया है। अब यहाँ वॉशरूम में अंदर चले गए और यहाँ पे हम देखेंगे फ्लोर के ऊपर वॉशरूम का टॉयलेट चाहिए ना, टॉयलेट की सीट, तो टॉयलेट की सीट पे जाने के लिए आपको लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स में जाके यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो रूम के अंदर जाएंगे, रूम के अंदर बाथरूम के अंदर जाएंगे, बाथरूम के अंदर सैनिटरी, यहाँ पे आप सैनिटरी आइटम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें ये वाले हैं, ये वाले हैं, सब अलग अलग कैटेगरी का है, आपको जो आपको बेहतर लग रहा हो आप वॉल वाला यूज कर सकते हैं, रोशनी कम है इस रूम में तो रोशनी का इंतजाम कर देता हूँ, अभी के लिए तत्काल मैं सिंपल से एक लाइट ले लेता हूँ, ये वाला अभी के लिए, जब मैं इसको अच्छे से सेट करूँगा, अभी देखिए इसके अंदर बहुत ब्राइट लाइट हो चुकी है, इतनी ब्राइट लाइट नहीं चाहिए, इसको लाइट को आप सेलेक्ट करके और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी को 300 की जगह 20 से क्या होगा कि आपका पिक्चर अच्छी आएगी, 20 भी नीचे आना तो भी काफ़ी है, हमें हम देख पाते हैं प्रॉपर प्रॉपर रोशनी आ रही है, देख पा रहे हैं, और भी कम करना है तो 5 की जगह आप और टू भी कर सकते हैं, तो डिटेल आप कर करके देखिए जो आपको बेहतर लगे, ये थोड़ा डार्क टोन पे चला गया तो इसको भी आप यहाँ से जाके और स्टोन में स्टोन भी आप लगा सकते हैं, अलग अलग स्टोन यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी आप वाइट कलर ले के स्टोन लगा दिए तो ब्राइट हो जाएगा आपका स्टोन, लगाने के लिए ब्राइट है आपका वॉशरूम, आपका वॉशरूम या वॉशरूम के बगल में आपको चाहिए पेपर नैपकिन, तो वो भी मटेरियल में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, ऑफिस में जाइए यहाँ पे, और उसके बाद रूम के अंदर जाइए, वॉशरूम के अंदर जाइए, एसेसरीज में जाके और एसेसरीज में जाके आप यहाँ से क्या चाहिए था आपको, ये हम यहाँ जाके इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए लग गया पेपर पेपर, और क्या चाहिए हमको, एक मिरर हैंकी ये सब चीज़ चाहिए, तो बहुत कुछ है यहाँ पे, सब डाउनलोड करके आप तो अपने इस्तेमाल के लिए ये सब जो भी चीज़ें, यहाँ एक वॉश मशीन भी तो चाहिए होता है, यहाँ मोबाइल में उन्हें कलर करना है, क्या है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर देंगे इसको, और यहाँ इस जगह पे एक ऐसे करके यहाँ चाहते हैं कि वॉश मशीन लगा दें, तो वॉश मशीन के लिए भी सेंटर में जाके यहाँ से आप कोई भी वॉश मशीन ले सकते हैं और वो जाके आप यहाँ पे एडजस्ट कर ले सकते हैं, ऐसा जाती है,
मशीन भी लग गया और पहले तो एरिया कम है तो ये वाला तो नहीं चल पाएगा, तो छोटा वो लगाना पड़ेगा। छोटा अगर यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है तो आप खुद मॉडल कर दीजिए। हमारे पास ये है तो हम ये वाला ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जमीन से 3 फीट के डिस्टेंस पर रहता है, लगा दिया है प्रॉपर हाइट है और लगा दिया। अगर आपको लगता है कि हाइट प्रॉपर सही नहीं है तो वो लाइब्रेरी में जाके और यहाँ से आप करेक्टर पेन मिल जाके, यहाँ पे करेक्टर पेन मिल जाके, यहाँ से आप किसी भी करेक्टर को ले सकते हैं। मान लीजिए फीमेल करेक्टर है तो आप एक फीमेल यहाँ से लेके और यहाँ अगर आपको ऊंचा है फीमेल के हिसाब से तो मतलब ये इसके लिए सही है, लेकिन हाइट मेरे हिसाब से ये किसका ज़्यादा होगा तो इसको थोड़ा नीचे कर देता है कमर के आसपास। अब आप जो देख पाइए ये आपको एक प्रॉपर हाइट पर है। और ये टॉयलेट की सीट भी मेरे हिसाब से थोड़ी सी ऊंची हो रही है ना। इस करेक्टर को अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ ऑपरेटिंग सीट को, थोड़ा नीचे कर ठीक है। तो ये है आपके पास, मतलब आप कितना इसके अंदर घुस रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कितने लेवल तक आपके पास है एनर्जी, तो उस हिसाब से करते रहिए और कर करके देखिए। जैसे इस रूम में भी लाइट हमने पर्याप्त कर दी, एरिया लाइट मैंने डाला है। इसको भी हम 300 इंटेंसिटी है तो इसको ले लेता हूँ 3, 3 इंटेंसिटी। 3 क्या, 2 रूम भी चल जाता है क्योंकि इस रूम में ऑलरेडी लाइट काफ़ी ब्राइट आ रही है रोशनी, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो मैंने कर दिया है, रात के अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा होगा तो सही है। इसके ऊपर थोड़ा मैगजीन ये सब रखते थे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे फ्लावर पॉट, इसको चेयर को आप रोटेट कर लीजिए 90 डिग्री, और इसको इधर की तरफ घुमाना थोड़ा दीवार की तरफ से खींच लीजिए। इस कॉर्नर पे थोड़ा सा सोफा को बाहर ले लेता हूँ इस तरह से, और साइज मुझे काफी बड़ी लग रही है इसकी तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। और इसको ले लेते हैं अंदर। अब आप देखिए ये थोड़ा सा ऐसे सा लुक आ गया है। फिर कोई भी आएगा तो यहाँ पे गेट भी बनेगा बाद में, ये सिंगल डोर बाहर की तरफ। और फिर तो ठीक ही है। और ये हम आ गए स्टेयर केस के अंदर, और इसको हमें देना है आयरन का लुक, आयरन या फिर मेटल लुक। तो यहाँ ग्लास है मेटल के अंदर, गोल्डन मेटल है, गोल्डन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिल्वर या ब्लैक चलेगा, मैं स्टील वाला ले लेता हूँ। ये इतने अच्छे रेड भी अच्छा नहीं लग रहा, तो कौन सा मेल करना चाहिए आपको बताओ। मैं गोल्डन कलर बुलेट में गए और पेंट में गए, और उसके बाद यहाँ से अपना ग्रास जो भी मैं लेना चाहता हूँ, ये वाला या ये वाला, तो मैं ये वाला, अब ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है। स्लोली ऐसे मूव करूँगा तो ये इसके ऊपर मेरा ग्रीन एरिया तैयार हो गया। तो इसी तरह से क्या, फिर आप राइट क्लिक कहीं भी कर लीजिए और फिर तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे ग्रास आ चुका है। और अगर आपको चाहिए और भी घना करना चाहते हैं कि मतलब काफ़ी लगे, तो इसी पे दोबारा क्लिक करके और फिर से ये ब्रश लेके आप इसको कर सकते हो ऐसे।
एक बार या दो बार या तीन बार इस तरह से कर सकते हैं। साथ में और भी मिक्सर करना चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं। अब आती है बारी यहाँ पे कि कुछ ट्रीज छोटे वाले जो होते हैं फ्लावर टाइप के, तो वो लगा जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, बड़े बड़े पेड़ पेड़ के साइज के भी हैं, छोटे भी हैं। तो जो यहाँ पे मैन का सिंबल बना हुआ है ना, तो उसके साइज का ही आप लाएं तो वो आपका यहाँ पे परफेक्टली बैठ जाएगा। जैसे ये हम चुका, और अब इसको कैमरा एंगल सेट करके मैंने इसकी वीडियो बनाया है, और अब आप ये देखिए कैसा लग रहा है। फिर इसके अगले वीडियो में मैं इसको कैमरा एंगल सेट करना और इससे आगे का प्रोसीजर कैसे आप लोग इसका रेंडर करके निकालते हैं।